करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे सिंगल वे लैम्प की पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंगल वे के साथ में डबल वे लैम्प की ट्रैफिक सिग्नल की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये देखिए, हम लोग 3 ऑन डिले टाइमर लिए थे, ये हमारा टाइमर 1, टाइमर 2 एंड टाइमर 3, और ये हमारा रेड लैम्प, येलो लैम्प, और ये हमारा ग्रीन लैम्प। हमने 3 टाइमर और 3 लैम्प लिए थे। और उसके बाद में हमने ये देखिए, हमारा ये 6 फिगर है, तो फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, इन सारे फिगर्स में हमने पैसे पॉइंट टू पॉइंट हमारा 1x1 सीक्वेंस आता है, ये सारे पॉइंट कवर किए। इस वीडियो में हम लोग पीएलसी सिमुलेटर के थ्रो ऑन डिले टाइमर और 3 लैम्प के साथ में 3 टाइमर लेकर के सिंगल वे ट्रैफिक लैम्प की प्रोग्रामिंग किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक और टाइमर ऐड करेंगे और 3 लैम्प ऐड करेंगे और 2 वे लैम्प मीन्स दोनों साइड से आने वाले लैम्प के लिए प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और इस प्रोग्रामिंग में हमने लैम्प के लिए टाइमर का TTBit यूज़ किए हैं तीनों लैम्प के लिए। और लॉजिक्स में ये देखिए, हमारा अनेबल का बीट हम लोग यूज किए हैं और इस अनेबल से भी हम लोग ट्रैफिक सिग्नल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में हम इसको रन करते हैं। और ये हमारा रन हो गया है, और जैसे ही हम इसको टॉगल करते हैं तो हमारा वैसे ही देखिए, ये मेमोरी बिट हाई हो गया, हाई होते ही ये फर्स्ट टाइमर अनेबल हुआ और फर्स्ट लैम्प ऑन हो गया। और देन वैसे 120 सेकेंड के बाद में हमारा सेकेंड टाइमर एंड 20 सेकेंड के बाद में हमारा थर्ड टाइमर ऑन होगा और रेड लैम्प, ग्रीन लैम्प और येलो लैम्प 1x1 होगा। और यहाँ पे हमने अनेबल बीट और सेकेंड में अनेबल बीट और थर्ड में भी अनेबल बीट यूज़ किया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं, अभी का वीडियो में ये देखिए, हमारा ग्रीन लैम्प के बाद में येलो लैम्प आ गया था एंड येलो लैम्प अभी आ गया है, तो रेड लैम्प, ग्रीन लैम्प और येलो लैम्प 1x1 कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चलते हैं हमने मेन टॉपिक की ओर। ये देखिए, ये हमारा 3 टाइमर और 3 लैम्प है, अब हम इसमें 3 लैम्प ऑलरेड करेंगे। तो हम इसमें रंग 1 और एक रंग ऑलरेड करते हैं और एक रंग ऑलरेड करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 रंग एड कर लिए और यहाँ पे हम 3 लैम्प यूज़ कर लेते हैं, लैम्प 1, लैम्प 2 एंड लैम्प 3। यहाँ से हमने 3 लैम्प एड कर लिया और इस तीनों को रिसेट करने के लिए हमें एक टाइमर चाहिए, तो एक रंग एड किए हैं और यहाँ पे हम ऑन डिले टाइमर यूज़ कर लेते हैं। और अब हम सभी को एड्रेसिंग कर देते हैं, तो ये हमारा टाइमर T04, ये हम टाइमर 3 एड्रेसिंग ले लेते हैं और इस लैम्प का एड्रेसिंग हम लोग इसी लैम्प का एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ से कॉपी करने के बाद में हम इस एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लैम्प का एड्रेस ऑलरेडी है, हम इसको 4 कर देते हैं एंड सेकेंड लैम्प का एड्रेस ले लेते हैं और इसे 5 कर लेते हैं, और थर्ड लैम्प का एड्रेस लेने के बाद हम इसे 6 कर लेते हैं। इस तरह से हमारे टाइमर और तीनों लैम्प का एड्रेसिंग हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे हम एक एनसी बिट ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक एनओ बिट ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक हम एनओ बिट ले लेते हैं, और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम एक एनओ बिट ले लेते हैं। और अब जैसे ही हमारा ये रेड लैम्प ऑन होगा, वैसे ही हमारा ये ग्रीन लैम्प और येलो लैम्प ऑन होना चाहिए। तो ये रेड लैम्प ऑन होने के लिए यहाँ पे हमारा टाइमर का जो T04 का TTBit है, हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम ये ग्रीन लैम्प में पेस्ट कर देते हैं। मीन्स जैसे ही हमारा फर्स्ट साइड का यहाँ पे हमारा रन बीट आएगा, वैसे ही साथ ही साथ यहाँ पे भी हमारा आएगा और इस रेड लैम्प के साथ में हमारा ये ग्रीन लैम्प ऑन हो जाएगा। और अब इस ग्रीन लैम्प और इस येलो लैम्प, ये दोनों को हम 60-60 सेकंड के लिए डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 60 सेकंड ये ऑन रहेगा हमारा और 60 सेकंड ये ऑन रहेगा, उस दोनों 60-60 प्लस 120 सेकंड के लिए हमारा ये लैम्प ऑन रहेगा, इसीलिए हम इसको 60 में कर देते हैं। तो चलिए आगे का हम एड्रेसिंग करते हैं। तो जैसे ही हमारा ये रेड लैम्प ऑन होगा 120 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, वैसे ही हमारा ये ग्रीन लैम्प ऑन हो जाएगा और उसी 60 सेकंड के लिए हमें इसे भी ऑन करना है। और जैसे ही हमारा ये रेड लैम्प ऑफ होगा, वैसे ही हमारा ये ग्रीन लैम्प ऑन होना चाहिए। तो इस रेड लैम्प का हम ऑफ होते ही हमारा ये ग्रीन लैम्प ऑन होना चाहिए, तो इसका डन बिट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो टाइमर T0 यहाँ पे उसी एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे टाइमर T04 का डन बिट ले लेते हैं। अब जैसे ही हमारा ये रेड लैम्प ऑफ होगा, वैसे ही हमारा रेड लैम्प ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हमारा फर्स्ट रेड लैम्प ऑन होगा, वैसे ही हमारा ये ग्रीन लैम्प ऑन हो जाएगा। और अब
हमें थर्ड वाला जो लैंप है उसको ऑन करना है। तो जैसे ही हमारा ग्रीन लैंप ऑन होगा वैसे ही 60 सेकेंड के बाद में हमें इस येलो लैंप को ऑन कराना है। तो यहाँ पे इस टाइमर को हम 60 सेकेंड का प्रीसेट वैल्यू दे देते हैं, और जैसे ही हमारा टाइमर 360 से ऑन होगा डन भी आएगा, वैसे ही हमारा यहाँ पे टाइमर 3 का डन भी दे देते हैं। ये हमारा टाइमर 3 एंड यहाँ पे हम डन भी दे देते हैं। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ से एड्रेस ले लेते हैं। ये हमारा टाइमर हो गया और ये टाइमर 3 का, यहाँ से हम इसको डन भी यहाँ पे दे देते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा ये रेड लैम्प ऑन होगा, मीन्स ये भी ठाई होगा, वैसे हमारा रेड लैम्प ऑन होगा, और जैसे ही हमारा रेड लैम्प ऑन होगा वैसे ही ये भी हमारा सेम है, उसी टाइम पे हमारा ग्रीन लैम्प ऑन हो जाएगा। और ग्रीन लैम्प ऑन होने के बाद में 60 सेकेंड के बाद में हमारा येलो लैम्प ऑन करना है। तो यहाँ पे हम एक और टाइमर दिए हुए हैं, और जैसे ही हमारा रेड लैम्प ऑन होगा वैसे ही हम टाइमर को ऑन करना है। तो यहाँ पे हम टाइमर का एड्रेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ टाइमर T02 का डन बिट ले लेते हैं। टाइमर T02 का डन बिट ले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ही हमारा टाइमर 1 में पावर आएगा तो ये वैसे ही हमारा टाइमर 0 का TT अनेबल होगा, एंड TT अनेबल होगा तो ये हमारा रेड लैम्प ऑन होगा, और रेड लैम्प ऑन होगा ये वाली रेड लैम्प, तो वैसे ही हमारा ग्रीन लैम्प ऑन होना है। तो इस ग्रीन लैम्प का 0.0:2/6 है। इस ग्रीन लैम्प ऑन करने के लिए हम इस एड्रेस को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, मीन्स ये दोनों बिट हमारा सेम टाइम में आएगा। तो जैसे हमारा रेड लैम्प ऑन होगा वैसे ही हमारा यहाँ टाइमर 2 का डन बिट आएगा, और ये हमारा अनेबल होगा। ये अनेबल होते ही हमारा ये प्रीसेट वैल्यू ऑन हो जाएगा, एंड प्रीसेट वैल्यू जब 60 सेकेंड होगा तो डन बिट आएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ फर्स्ट ये आएगा, एंड साथ ही साथ हमारा ये भी ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा एंड ये ऑन हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट में हमारा ये हाई होगा और ये ग्रीन लैम्प ऑन हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही हमारा ग्रीन लैम्प ऑन होगा ये हमारा 60 सेकेंड का टाइमर चलेगा, 60 सेकेंड टाइमर डन भी आएगा, वैसे ही हमारा टाइमर 3 का डन भी आएगा, और ये हमारा येल्लो लैम्प ऑन हो जाएगा। जब ये वाला भी आएगा तो ये हमारा येल्लो लैम्प ऑन हो जाएगा, एंड उसके बाद में अगेन हमारा रेड लैम्प ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब हमारा टाइमर 4 का डन बिट आएगा तो उस समय यहाँ पे येल्लो लैम्प ऑन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम एक NC ले लेते हैं, और सेम इसी एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा टाइमर डन का NC बिट हो गया। अब चलिए हम इसको ऑनलाइन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसे PLC में डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में हम इसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद में हम रन करते हैं। तो ये देखिए रन करते जैसे हमारा यहाँ पे रेड लैम्प ऑन हुआ वैसे ही हमारा ग्रीन लैम्प ऑन हुआ, और ये देखिए जैसे ही हमारा सेकेंड साइड का ये ग्रीन लैम्प ये आया वैसे ही हमारा फर्स्ट साइड का येलो लैम्प आ गया, और देन 7 सेकेंड बाद में हमारा ग्रीन लैम्प आ गया। तो इस तरह से ये देखिए हम इसको ऑन कर देते हैं, और ये देखिए हमारा दोनों तरफ से कार ट्रेवल करने लगी है, और 1 बाई 1 रेड येलो ग्रीन एंड सेकेंड वे का रेड येलो ग्रीन ये सेम सिक्वेंस में चलने लगी है। तो इस तरह से हम 2-way ट्रैफिक सिग्नल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम PT बिट को यूज़ ना करके अनेबल बिट और डन बिट के साथ में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो सीखेंगे।